अत्याचार को मिटा कर कहेंगे राजस्थान के अंदर, और इसीलिए इस अत्याचार को खात्मे के लिए हमने बहुजन समाज के लोगों के हाथों में सत्ता दिलाने के लिए इसका आगाज हमने जालौन से की धरती से हमने किया। हमने आप सबको बुलाकर के आगाज हमने शुरुआत कर दी कि बहुजन समाज के धारा सिपाहियों अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार। लेकिन बात भी आती है, ये देश को आजाद में 75 साल हो गए, अभी देश ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया और बाबा साहब के संविधान को लागू हुए भी 1950 में लागू हुआ, 2022 चल रहा है, माने कि 72 साल के आसपास बाबा साहब का संविधान लागू हो गया। जब बाबा साहब का संविधान भी लागू हो गया और देश को आजाद हुए 75 साल भी हो गए, इस देश की हुकूमत खत्म हो गई, इस देश के राजा महाराजा खत्म हो गए, लेकिन इस देश से जातिवाद को नहीं हुआ, इस देश से ऊंच नीच क्यों खत्म नहीं हुआ, इस देश से अमीरी और गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई, इस देश से बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म, इस देश से अशिक्षा क्यों नहीं खत्म हुई। बात यहां पर आती है, अगर हम सब लोग चाह जाए और हम सब लोग मिलकर के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल जाए तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 2023 में आपका राज राजस्थान के अंदर होगा, आप यहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बात यही आती है कि यह संभव कैसे होगा, आप सबके मन में बात यह आती है कि हमारा वोट तो 60,000 है, ये 60,000 वोटों में कैसे संभव होगा। तो अभी आप मैं आज कल शाम को बात कर रहा था और सुबह बात कर रहा था सुखराम बोल जी बैठे, तो इन्होंने बताया कि जब कोई भी गांव में कोई प्रोग्राम होता और उस गांव में खाने की व्यवस्था की जाती है और उस खाने की व्यवस्था में अलग अलग रेट होता है कि नहीं होता कि भाई ऊपर अपर कास्ट के लोगों का अलग होता है, ओबीसी के लोग चाहे देवासी हो चाहे कोई समाज के लोग हों उनके खाने की व्यवस्था अलग होती है और मेघवान समाज की व्यवस्था अलग होती है कि नहीं होती। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बोलिए सही बोल रहा हूँ बताइए। अब आपने 1990 से पहले उत्तर प्रदेश में चले, 1990 से पहले जब हमारे पहले मुख्यमंत्री नहीं बने, जब पहले मुख्यमंत्री नहीं बने हालात उत्तर प्रदेश में, अगर किसी गांव के अंदर अपर